अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका। गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, वीडियो से भी पहले, सबसे पहले जो भी मेरा फैमिली मेंबर मुझे देख रहा है, जाओ यार जाके चैनल को मेरे दूसरे को सब्सक्राइब करो, जिसमें मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्लॉग चैनल का, वहाँ पर जाए। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली और अभी मैंने एक सीरीज शुरू की है फूड रिव्यू की, जो कि मैं रेगुलर अपलोड करूँगा, तो जाए जाके पहले उसको भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ प्लीज़। आज जो वीडियो लेके आए वो होने वाली है, और वो उसका नाम है बीइंग इन अ रिलेशनशिप फॉर 24 आवर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था ऋषि भाई गए थे डेट पे, क्या हुआ था, और आज है पार्ट 2। तो हम लोग ये देखेंगे कि इस बार जारी बात है दीक्षा जाएगी या संजय जाएगा, दोनों में से एक तो जाएगा, अगर ये पार्ट 3 भी हैगा इसका। तो फिर देखते हैं ये वीडियो और करेंगे इसके बारे में बात, स्टार्ट करते हैं अब। फैमिली, आपको याद तो जरूर होगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था जब मैं रिलेशनशिप में गया था, लेकिन आज वो दिन आ गया है रिवेंज लेने का। 24 घंटे में नहीं, 12 घंटे में रिवेंज लेके दिखाऊंगा, अब वो भी एक के साथ नहीं दोनों के साथ। बाबू भैया, हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो हमें खुशी होगी। फैमिली, फाइनली वो वाला दिन आ गया है जिसका इंतजार हम सब ने किया था। पर खूंखार किया था यार, ये क्या बात होती है, मेरे को बात नहीं करनी, मैं कहता हूं कुछ और करते यार। नो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन होगा वो जो रिलेशनशिप में जाएगा। फैमिली, वैसे तो रॉक पेपर सीजर करके हम चूज करते हैं, लेकिन आज आपके री ने एक डिफरेंट वे निकाला है। अब आपको ना, आपके सामने एक होगा रियल केक और एक होगा फेक केक, तो आपको बस फटाफट 3 सेकंड में देखकर, तो अगर वो तो रियल हुआ तो आप बच गए, अगर फेक हुआ तो ये कैसे। 3, 2, 1 खोलो, 3, 2, 1 बंद करो। संजय कौन सा वाला, लेफ्ट? दीक्षा लेफ्ट, पक्का? हाँ, वो चमक रहा है। आओ देखते हैं लेफ्ट वाला था कि नहीं। ओह माय गॉड लेकिन आप बहुत आला बनाया हुए। ओह, आगे खोलो, आगे बंद करो। अब ये क्या? Oh my God. यार वाकई में बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ। ओके, ये तो पता चल रहा है भाई। यो, ज्यादा हो रहा है। अच्छा चालू, आपने क्या हुआ? नहीं, इसमें पता चल गया यार, मुझे इसमें पता चल गया। क्रिएटिव वे था, केक में से डिफरेंस पता ही लगेगा, ओरिजिनल चीज और केक के बीच में साला बड़ा इतना अच्छे से पता लग रहा है ना कौन सा क्या है। मैं ग्रेटर से पता चल गया, आईफोन वाले डब्बे को छोड़ के कोई नहीं लगा। यार मजा तो आया, लेकिन लगता है डिसाइड रॉक पेपर सीजर से ही करना पड़ेगा। नहीं, फिर मेरा क्रिएटिव वे नहीं पता लगना था, थोड़ा क्रिएटिव किया था मैंने। रॉक पेपर सीजर शूट, दीक्षा जाने वाली है रिलेशनशिप में। और एक और रूल है जो इसको नहीं पता है, वो ये है कि अगर इसके जो पार्टनर है, यानी कि जो बॉयफ्रेंड है, तो अगर तू होता तो तेरी गर्लफ्रेंड होती, अगर उन्होंने हाँ नहीं किया कि हमें ये रिलेशनशिप आगे नहीं करना या हम दोबारा नहीं मिलना चाहते, तो आपको खाना पड़ेगा जो लचिप खाना पड़ेगा। मैं चाहूं मैं चाहूं कब तेरा तेरा हो जाऊं। फैमिली, जगह है वही, मैं हूँ वही, और लेकिन जो होगा वो अलग होगा, लेकिन उसमें मैं नहीं होगा, उसमें होगी हमारी प्यारी प्यारी लग रही है वैसे। आज ब्रू स्ट्रीट जीरकपुर में वो दोहराया जाएगा जो एक बार दोहराया गया था मेरी गर्लफ्रेंड लाकर, मतलब इतिहास दोहराया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट। एक सेकंड सुनो, मैं इतना मजे लेने वाला हूँ ना, आई कांट वेट। क्या रिएक्शन होने वाला है यार इसका। यार एक मेरी कोई उम्र है अभी बॉयफ्रेंड रखने की? भाई लोगों की शादी हो जाती है 21 साल की उम्र में, कह रही उम्र है। और एक वो दिन आएगा जब संजय की भी गर्लफ्रेंड आएगी। अच्छा जाओ यार, वेटिंग। समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं कैसे समझाऊं कि क्या फील हो रहा है, मतलब काफी नर्वस फील हो रहा है, बिकॉज़ मैंने कभी ये सब किया नहीं है। और नाउ आई फील लाइक मुझे पता है कि भैया किस चीज से यू नो गुजर रहे होंगे, उस टाइम पे क्या फील कर रहे होंगे, क्योंकि ना कैमरे के सामने पहले पहले ऑकवर्ड हो जाते हैं, मतलब मुझे तो पता भी नहीं है।
मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, गुगु का बॉयफ्रेंड आ गया, गुगु का बॉयफ्रेंड आ गया, चलो चलो कौन है कर रहे हैं यार, कौन है पहले वो पता चले ना, चल आ जा, हुने आ गया है दीक्षा का बॉयफ्रेंड, दीक्षा का बॉयफ्रेंड है। एक मिनट, क्या हुआ, क्या हुआ, इधर आओ, क्या हुआ, ये क्या क्या हुआ, एक मिनट ये क्या है, अरे वो दीक्षा के बॉयफ्रेंड को टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना संजय की गर्लफ्रेंड आ जाए, मतलब यार बताया मतलब कुछ भी मतलब बिना बताया यार, ये मैं भी और नहीं रुको एक मिनट, नहीं वहां पे खड़े और रुको जो, तो हम बात करो आप क्यों नहीं, लेकिन बड़ा आ गया, गोल बना आ गया, बड़ा आ गया, मैं को आ जाऊंगा, बड़ा मेरे पास करो, मैं निकल रहा हूं यहां से, चलो काका पता चलेगा मेरे को, मम्मा मुझे ये है सिमरन जो कि बनने जा रही है संजय की गर्लफ्रेंड फॉर 12 आवर्स ही, मैंने बोला इससे तो 12 आवर्स के इससे एक घंटा भी नहीं होगा। हाय यार बात बात करो यार, डूड देखो ऐसे क्यों, सो फैमिली हाय तो बोल, हाय बोला, हेलो यार बातें करो, ये क्या कर रहा है यार, या मैन तुझे क्या लगा दीक्षा को नहीं पता होगा, आपके लिए दीक्षा वाला किधर है, ऑरेंज कलर के पाइप, आपने मुझे बताया भी नहीं कि ये हो रहा है, बैठ बैठ मुझे बताया यार, देखो मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं क्विट कर सकते ना, क्विट नो ऑप्शन नहीं है। पहले तो बताएं कि कैसा लगा आपको संजय, बहुत क्यूट, बहुत क्यूट है, चलो ये तो अच्छी बात है, और लग रही है पक्की होगी बात आपकी, ओके ओ फाइनली आ गया है दीक्षा के बॉयफ्रेंड, आओ बेटा क्या हो गया, हाय शिवम, हाउ आर यू, ओ माय गॉड, हेलो शिवम, हाय दीक्षा, बात करो बात भी थोड़ा क्लोज हो जाओ और यहां बात तो करो, तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा संजय, हाय हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ यू, आई एम गुड, सो व्हाट आर योर प्लान्स, यू वांट टू सिट, नो इट्स ओके, वी कैन जस्ट, यार गाइस इतनी डेट्स हो रही हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहां कहां कैमरा लेके जाओ, ध्यान रखे सिमरन का प्लीज, बातें बातें करो, ब्रो आप इतना क्यों हंस रहे हो, आप बैठ जाओ कहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं बिकॉज़ आज तेरा भाई सिंगल है, समझ रहे हो, फोटोशूट टाइम, मैंने इतना नहीं ज्यादा आपसे कुछ करवाया था, ठीक है तेरी गलती मेरी तो नहीं गलती, मैं तो आपके साथ था यार, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ये पूरा करो मेरे साथ क्यों, ये अर्जुन ये आपकी बड़ी अच्छी सी पिक्चर क्लिक करेंगे एकदम कपल की तरह, मैं कहता हूँ छोड़ो यार, चलो चलो शुरू करो, साथ में बैठना है, कपल बैठना है गाइस, ऐसे तो चिल यार, कम ऑन, ऐसे नॉर्मली होता है, वैसे दिखाया तो फ्रेंड्स में होता है यार, ये कैसा कपल है यार, ये तो एक दूसरे की तरफ देखो यार, मतलब मैं ऐसे एक्शन, तू बातें कर ले, मैं क्या करूं, मुझे बातें बताओ मैं क्या करूं, भगवान का नाम लेके करना पड़ेगा, नहीं होता ब्रो, बिल्कुल एक सेकंड के लिए देख, शुक्र है कोई फोटो आई तो सही, यार ये तो बड़ा दोस्ती वाला खिंचवा रहा है यार, दोस्ती वाला नहीं, थोड़ा ऐसे ना ऐसे ऐसे कैमरा करके, तो लड़की का पैर ऐसे होता है ना, लड़का सही ले गया है, सच्ची बोलूं नहीं सही, सो फैमिली जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी जितनी भी ये दो जोड़ियां हैं, जितनी भी दो, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन किसी भी जोड़ी को कोई भी तरीके से कोई भी पीछे ना रह जाए उसका इंतजाम आपके रीने कर रखा है, सो जोड़ीज आर यू रेडी टू डांस, डांस किया जाएगा हमारे गाने ओ डैम पर, एक एक जोड़ी को मौका दिया जाएगा, आपने बताया भी नहीं था पहले तो वो होने वाला डांस, सब चीजें बतानी जरूरी नहीं होती यार, कम ऑन यार गाइस, सो 3 2 1 गाना प्ले किया जाएगा ओ डैम, आवे 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 यारा आके बह जावे, आवे 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 यारा कुछ ता कह जावे, आवे 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 यारा आके बह जावे, जो कुछ कहना चाहे मैनू आके क्या जावे, ओके
ये मुझे क्यूट लगे बस। जोड़ी नंबर वन या जोड़ी नंबर टू ने वन देख रहे हो संजय ये तो पहले लड़ाई हो रही है घर में बाद में क्या होगा संजय जीता मेरे हिसाब से क्या क्या मैच है जोड़ी की क्या क्या कंपेटेबिलिटीज हैं ठीक है तो फेवरेट कलर संजय का गो ब्लैक मैं ब्लैक कहने वाला था साले आई वाज गोना से ब्लैक बट एक्चुअली सी नहीं संजय वाज गोना से वाइट वो पे रुका हां मैं हम लोग ब्लैक फिर से करते फिर से करते तो 3 2 1 ब्लैक येलो वाह ये देखो येलो यार हमें पता वो चीज का तो हां सी हां फेवरेट मूवी एक्टर ठीक है मैं बंदे का नाम भूल गया एंड गो आदित्य रॉय कपूर यस आदित्य रॉय कपूर साले यस का क्या मतलब हुआ यू हैव कौन मुझे नहीं पता 3 2 1 गो शाहरुख खान रणवीर सिंह रणवीर सिंह इज नॉट इवन क्लोज यार रणवीर सिंह अच्छा बहुत दूर है बहुत दूर अच्छे से कोई लेना देना नहीं है Relationships are all about celebrating differences, bro. Yes. You see, differences are important. Yeah, bro. Judy, no. यादें तुम्हारी यादें तुम्हारी ऐसी बीमारी जिसमें ये दिल डूबावे डूबावे मैं चाहूँ मैं चाहूँ कब तेरा हो जाऊँ नहीं मिलेगा कैसा गाइस डेट कैसी जा रही है आई डोंट वांट टू क्राई आई वांट टू ये कैसा रोमांस है साला सिर पर खड़े-खड़े देख ही रहा हूं तू भी करने का मन है मैं इतना लोनली फील कर रहा हूं एक फायदा आप लोगों का हो रहा है आई जस्ट डोंट नो क्यों भैया को इतना लोनली फील हो रहा है देखो मुझे डालो ब्रो आप मुझे संभालो मैं गिर गया तो फिर तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था मैं इतना कुछ कर रहा हूँ यार क्या इतना क्यों कर रहे हो इतना कुछ कहाँ कितना करो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप ऐसा लग रहा है मैं हूँ ऊँट वाला संजय ने यार बहुत सो फैमिली इधर ही मेरे भैया ने भी उन्होंने यू नो जब उनके थे वहाँ पे तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा था दैट विल यू डेट मी अगेन ये मत को मत हो बस ये कह दो यार बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो चल तू मत आइयो मैं आ जाऊंगी ठीक है ओके डन तू मत आइयो लेकिन ओह इट्स अ पास राइट नो यार ये क्या बात हो ये हद होते यार बताओ देखो एक तो पहले मुझे बताया नहीं था आई वाजंट प्रिपेयर्ड ओके ये अच्छी बात है कि तुझे पता नहीं था तू सोच के आता कि तुझे कैसे बात मैं हमने तो प्लान किया था हम दीक्षा को कैसे तंग करने वाले आप अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आ गए अच्छा कोई ऐसी कमी रह गई हो जो मतलब कि Do you think ऐसा कुछ है कि मतलब नहीं मुझे इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए या नहीं 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 बट नेक्स्ट टाइम डेट के ऊपर अपने दोनों भाइयों को मत लेके आना भाई हमारे लड़के में क्या प्रॉब्लम थी यहीं पे आके साला मेरा भी ब्रेकअप हुआ है मेरे को बताओ कुछ बोलता ही नहीं है ये बोलता वैसे बात सही कही साले तूने भाई की बेइज्जती करवा दी है ना चलो आज मैं जा रहा हूँ अच्छा इनको ये कि ये गिर जाएंगे ये नहीं कि मैं यहाँ पे डूब रहा हूँ नहीं नहीं मैं गिर चुकी ये आइए दीक्षा इनका नो हो गया यस हो गया तू जोरो चिप से बच गई यस व्याप्ति आई है ये करने की व्यामी जरूरत नहीं है इसको खुद करना है बट यार इसको बताया नहीं गया था तो संजय मैं चाहता हूँ ना करे यार देखो पहली बात तो ये है जोलो जुलो चिप है ना पहले तो एकदम बिल्कुल होते नहीं है स्पाइसी ठीक है लोग वो उतना व्यूज के लिए करते सच्ची कह रहा हूँ भाई इसके ऊपर ना लिखा
पता ही नहीं था। आधा खा ले, पूरा मत खाए। आपको मैं एक बाइट ले रहा हूँ, कोई आधा भी दिखा रहा है। ओ, 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 स्प्रिंग, स्प्रिंग रहने दे। पता नहीं क्यों मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या होगा? हेलो, मैंने खुद बोला था ना खाए पंगा लेने। Oh, this is not good, यार। मत करियो, मत करियो। चलो ऊपर एक और। ओके यार, पहले तो मैं बताऊं, मेरे हिसाब से मैं अगर सच्ची बोलूं तो मुझे संजय विनर लगा। बाकी पता नहीं क्या लड़की ने मना कर दिया, इतना क्यूट बंदा मिल सकता है कहीं पर? इतना क्यूट बंदा मिला है, ठीक है, नहीं मैं नहीं, लेकिन लड़की भी प्यारी थी। दीक्षा के साथ जाती हुई, दीक्षा को पता नहीं वो डड्डू के मुंह वाला मिलेगा, वो अगली बैठ रहा है भाई, यूपी में लेके आना तुम्हारे बूथे के लिए, टप टप बंदा मारे ना, वो सच्ची समझ के बैठा होगा कहीं पर कि भाई ये क्या सीन हो गया। वो कहा वीडियो के लिए हो रहा था, सच्ची बात नहीं थी। लेकिन बात करूं, वीडियो मुझे अच्छी लगी, पुरानी वीडियो भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप सबको बताया कि मैं ऋषि भाई को री व्लॉग को तो मैं वैसे बड़ा पसंद करता हूँ, रिमोरा व्लॉग को जैसे करता था वैसे ही। दीक्षा के साथ थोड़ा अच्छा हुआ, लेकिन डांस की बात करूं तो मुझे लगता है वो संजय जीता था। लेकिन संजय के ना जो लम्हात थे ना ठीक है, वो बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही ज़बरदस्त लगे मुझे वो। उसकी वजह क्या थी, जो फ़नी मोमेंट थे हर चीज़, लड़की भी क्यूट थी, ये भी क्यूट था, तो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बाकी दीक्षा वाला मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, डांस वाला सीन मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और कश्ती वाला कहता अब ये मत, हाँ ना करते, ना मत करना, कहती हाँ अगली बार मैं आ जाऊँगी लेकिन तुम मत आना। वो जो बोर्ड से गिरी ना, गिरने वाला सीन था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था यार, मैं इनको बहुत ही अच्छा पसंद करता हूँ। लेकिन संजय के हारने के बाद भी संजय को बोला गया था कि ये मत खाना, संजय ने फिर भी खाई जो लॉजिप, और बाद में आगे क्या हुआ वो हम लोगों को नहीं पता। शायद अगली वीडियो में कुछ हमें थोड़ा सा रिव्यू वगैरह थोड़ा ये हमें दे देंगे कि भाई संजय के साथ ये सीन हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ है। तो जनाब संजय के साथ वैसे ज्यादती हुई है, मैं संजय सच्ची में बोलूँ संजय क्यूट था, मुझे पसंद आया, तो मैं संजय को ही जितवाऊंगा इसमें। दीक्षा वाला मुझे सही नहीं लगा, बाकी वीडियो अच्छी थी, मज़े वाली थी, मैंने तो इन्जॉय किया। बाकी आई होप कि आप सारी फैमिली मेम्बर ने ज़रूर इसका मज़ा किया होगा। मज़ा किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी रिक्वेस्ट बताते रहें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे व्लॉग चैनल को भी, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, कर दो यार, करना नहीं चाहते करो जाके, ठीक है। मेरे व्लॉग आ रहे हैं, उनको जाके चेक करें, हर हफ्ते एक व्लॉग आएगा, तो प्लीज़ जाके आप वो लोग व्लॉग भी देखें। वहाँ पे मैंने अभी फूड रिव्यू शुरू किया 2 महीने का, जो कि 8 रेस्टोरेंट हो गए, रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, तो जाके उसको ज़रूर चेक करिएगा, जो कि मैं डिफरेंट टाइप के खाने खाऊंगा, जो कि कुवैत में अभी मैंने पहले पाकिस्तानी पे बनाया, फिर आगे इंडियन, अफगानी, यानी हर तरह के खाने होंगे उसमें, तो जाके ज़रूर चेक करो, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो रूल्स ब्रेकर्स व्लॉग लिखो आपको आ जाएगा, ठीक है। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।